अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बाज़ीर। आज मैं 25 नंबर वार्ड अली नगर में दौरा कर रहा हूँ। यहाँ के भी लोग मेरे को बहुत बोल रहे थे। यहाँ पे बस्ती है पूरी, कुत्तों से इतनी परेशानी है। जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर आता एरिया, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदर रेड्डी का एरिया है, रंजीत रेड्डी एमपी का एरिया है। और मेरी गुजारिश है कि वार्ड नंबर 25 है, यहाँ कॉरपोरेटर मुकामी कोई भी रहने दो, उसका काम है। और यहाँ पे कुत्ते आवाम को बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। दरवाज़ों के बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई बच्चा बाहर खोल के निकल जाता तो परेशानी हो जाती। हर आए दिन सोशल मीडिया के ज़रिए कुत्ते जो बच्चों को काटा जा रहा देख रहे हैं। तो मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ, जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर एक कुत्ते की गाड़ी नहीं है, एक क्यों नहीं है भाई? जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर मैं पिछले 1.5 साल से पुकार रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, 1 साल से पुकार के कह रहा हूँ, कुत्ते की गाड़ी मंगाइए। एक कुत्ते की गाड़ी नहीं है यहाँ पे। हैदराबाद सिटी लिमिट जीएचएमसी में देखिए आप, एक दिन में आज कंप्लेंट जो कल कुत्ते की गाड़ी आ जाती। अरे भैया, कुत्ते की गाड़ी क्यों नहीं मंगाना चाह रहे हैं कमिश्नर मैडम? और इसके ऊपर रंजीत रेड्डी एमपी साहब भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे, सविता इंदर रेड्डी मैडम भी कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों हमारे बच्चों की जान गई तक, किसी के भी बच्चे की जान गई तक इंतज़ार करना क्या? किसी के बच्चे को काटा तो दवाइयों को तक पैसे नहीं रहते लोगों के, वैसे गरीब लोग रहते अंदर। अगर किसी के बच्चे को काटता तो उसका इलाज कौन करवाते आप बताइए? हाँ, उसको दूध ब्रेड ये वो बहरहाल जो भी सामान लगता कौन देते? मेहनत करके कमाने वाले ये जलपल्ली म्यूनसिपल ज़्यादातर यहाँ पे गरीब लोग रहते। तो कुत्ते की गाड़ी लाना चाहिए। KTR साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर एक सेपरेट कुत्ते की गाड़ी रखना चाहिए। पूरे एरिया के अंदर एक दो होना चाहिए, क्या 2-3 भी है तो कम पड़ते हैं यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है कुत्ते की गाड़ी लाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं आवाम को, बच्चों को दावतों में से लोग आ रहे हैं, उन्होंने भोग रहे हैं कर रहे हैं। अभी मैं कुत्तों के करीब जा रहा हूँ तो कुत्ते भाग रहे हैं नहीं है, बैठे हुए से डर रहे हैं नहीं। तो अगर कोई उन्होंने कहे आंग पे किसी काट दिए तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? यही माइनॉरिटी आवाम आपको सविता इंदर रेड्डी मैडम आपको जिताइए। आप यहाँ पे जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर कोई एक बड़ा हादसा होना बोल रहे हैं क्या? आप कुत्तों का किसी आवाम के ऊपर कुत्ते का हमला होना बोल रहे हैं क्या? आप मेरे को बताइए क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं बोलने बाद भी बार बार बता रहा हूँ, हर एरिया फिर के बताऊँगा। तो आज 25 नंबर वार्ड में आया, इससे पहले 3 नंबर वार्ड में करा था, और 3 महीने पहले भी 4-5 बच्चों को 3 नंबर वार्ड में काटा था। उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं इन लोग। कोई लीडर बाहर आके यहाँ के मुकामी लीडर जलपल्ली म्यूनसिपल का चेयरमैन रहने दो, कोई भी रहने दो XYZ, उन्हें आके ये कुत्तों के बारे में बात कर रहा है, जलपल्ली म्यूनसिपल के आवाम के दरमियान में रह के बात कर रहा कोई? अगर हम बात करें तो आपको तकलीफ हो रही, हम सच बता रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही। अरे हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही बताए कि आवाम की तकलीफ देखिए, आवाम की तकलीफ को हल करने की कोशिश करिए बोले। तो हम यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के अल्फाज को हम आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, उनके अल्फाज को हम आगे लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, दुनिया की ताकत काम को हमारे नहीं रुकाएंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।